साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल GS ऑनलाइन पर। सबसे पहले सभी साथी ये बतलाइएगा, साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल GS ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग UGC नेट का यूनिट 6 जो कि नाविल है, इस नाविल में हम लोग पढ़ेंगे अब्दुल हलीम शरर के बारे में। काफी अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है। और उससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। सवाल यह है कि उर्दू के सबसे पहले नाविल निगार कौन है? जी, अब जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। जब तक मैं देखूंगा और आगे बढ़ता जाऊं, क्या पूछा हूं, उर्दू के सबसे पहले नाविल निगार कौन है? चलिए, आज का साथियों ये क्लास थोड़ा सा लंबा जरूर होगा क्योंकि इसमें इतने किरदार हैं। तो मैंने आज के इस वीडियो में सोचा कि पहले चूंकि आपको किरदार याद करा दिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। किरदार की अगर मैं बात करूं साथियों, तो नाविल फिरदौसे बरी, क्या क्या बात, कौन सा पढ़ रहा हूं, नाविल फिरदौसे बरी, कौन सा साथियों, नाविल फिरदौसे बरी पढ़ना है आज हमको। ये नाविल फिरदौसे बरी जो है ये अब्दुल हलीम शरर की लिखी हुई नाविल है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि साथियों, इस नाविल का जो मरकजी किरदार है एक नंबर में, उसका नाम है हसीन। क्या नाम है साथियों, हसीन। ये इस नाविल का हीरो होता है, क्या होता है, हीरो होता है साथियों, क्या होता है, हीरो होता है। और इसी नाविल का जो साथियों जो दूसरे नंबर का सबसे अहम किरदार है, उसका नाम है जुमरुद, ठीक है। जुमरुद जो है ये साथियों हीरोइन है, क्या है, हीरोइन है। और ये हीरोइन किसकी है, तो इस नाविल यानी फिरदौसे बरी की है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, हसीन हुसैन जो है ये आशिक होता है किसका, जुमरुद का। तो गोया कि जुमरुद कौन है, माशूका है किसकी, हसीन की जी, सॉरी हुसैन की। देखिए हुसैन यानी प्यार करता है किससे, जुमरुद से, और यानी हम कह सकते हैं कि हुसैन आशिक है और जुमरुद माशूका है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए डिप्टी नजीर अहमद जो भी बोल रहे हैं वो गलत है, मैं बताऊंगा क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि उर्दू के सबसे पहले नाविल निगार कौन है, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर साथियों एक चीज और आपको आएगा जो कि आपको बहुत ज्यादा साथियों काम आने वाला है, वो है चुगताई खान। याद रखिएगा, क्या नाम है, चुगताई खान जी, चुगताई खान, क्या नाम है, चुगताई खान। ये चुगताई खान जो है इसका साथियों कुछ किरदार इसके अंदर है जी, इसका जो सबसे अहम किरदार है, चुगताई खान की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है बलगान खातून, क्या नाम होता है, बलगान खातून, क्या नाम होता है, बलगान खातून, ठीक है। और इसी चुगताई खान का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हलाकू खान, क्या नाम होता है, हलाकू खान। और इसी चुगताई खान का एक और बेटा होता है जिसका नाम होता है मनकू खान, बड़ी काफ से, मनकू खान, क्या नाम होता है, मनकू खान। और ये जो मनकू खान है साथियों ये तुर्किस्तान का बादशाह होता है, क्या होता है, तुर्किस्तान का ये बादशाह होता है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये किरदार आपको याद हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी तरह साथियों एक जो है ये मनकू खान जो है जो तुर्किस्तान का बादशाह है, इसका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है तूबा खान, क्या नाम होता है, तूबा खान। एक बार फिर हम लोग रिपीट करेंगे, नाविल फिरदौसे बरी में जो है साथियों हुसैन नाम का एक आशिक है जो हीरो है, और इसकी माशूका है जिसका नाम है जुमरुद, और इसमें एक चुगताई खान है, चुगताई खान की एक लड़की है जिसका नाम है बलगान खातून, और चुगताई खान के लड़के का नाम हलाकू खान, और उसके बाद चुगताई खान का एक लड़का है जिसका नाम है मनकू खान। तो गोया कि हम ये कह सकते हैं कि बलगान खातून का भाई हलाकू खान
और बलगान खातून का भाई मनकू खान, या हम फिर कह सकते हैं कि हलाकू खान और बलगान खातून में क्या रिश्ता है, तो भाई बहन का। इसी तरह मनकू खान और बलगान खान में क्या रिश्ता, खातून में क्या रिश्ता है, तो साथियों भाई बहन का, ठीक है। और चुगताई खान और बलगान खातून में क्या रिश्ता है, तो ये आपको याद रखना है साथियों, किसका रिश्ता है, तो बाप और बेटी का रिश्ता है, ठीक है जी, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान, थोड़ा सा आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा जी, लेकिन ये आपके लिए बहुत काम होगा, ठीक है। एक किरदार आपको साथियों आएगा जो हुसैन है, इसकी जो माशूका है वो तो जुमरुद है, लेकिन हुसैन जो है साथियों, इसका एक क्या होता है, चचा होते हैं जिनका नाम होता है इमाम नजमुद्दीन। क्या नाम होता है, इमाम नजमुद्दीन, याद रखिएगा, ठीक है, इतना सा आप याद रखेंगे। उसके बाद इस नावल के अंदर यानी कि फिरदौस बरी के अंदर साथियों एक आता है हसन बिन सबाह। क्या है, हसन बिन सबाह, क्या है, हसन बिन सबाह। ये जो होता है साथियों, असल में ये नावल जो है पूरा आपको किस पर है जी, फिरकाए बातिनिया पर साथियों ये किरदार है, तो ये हसन बिन सबा उसी का बानी होता है। और इसी तरह साथियों इसमें किरदार आपको आएगा शेख अली वजूदी। क्या, शेख अली वजूदी का भी किरदार इसमें आएगा, ठीक है। इतनी सी बातें हमें याद रखनी है। अब हम आपको लेकर चलेंगे साथियों कहां पर, तो आपको अब्दुल हलीम शरक के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या क्या पढ़ा के नाविल फिरदौस बरी के जो मरकजी किरदार है हुसैन नाम का एक हीरो है, उसकी माशूका है जुमरुद, और इसमें चुगताई खान जिसका साथ, जिसकी बेटी है बलगान खातून, और चुगताई खान का साथ लड़का हलाकू खान, और चुगताई खान का लड़का है मनकू खान, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कहां पर साथियों, तो सबसे पहले अब्दुल हलीम शरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद तब फिर इस नावल का जो मरकजी किरदार है वो। उससे पहले कि मैं उधर चलूं, आपसे एक सवाल किया था मैंने कि उर्दू के सबसे पहले नाविल निगार कौन है, बिल्कुल सही है डिप्टी नजीर अहमद, जिन लोगों ने दिया बिल्कुल राइट है, लेकिन याद रखिएगा डिप्टी नजीर अहमद जो है वो इस्लाही नाविल निगार है। कैसे साथियों, कौन से नाविल निगार है, इस्लाही नाविल निगार है, कौन से नाविल निगार है, इस्लाही नाविल निगार है, लेकिन उर्दू में सबसे पहली तारीखी नावल जिन्होंने लिखी है उनका नाम है अब्दुल हलीम शरर, है ना साथियों, एक पॉइंट वाली बात आपने याद रख लिया ना जी। इस्लाही नावल यानी तारीख निस्वा पर जिन्होंने साथियों सबसे पहले कलमबंद किया है उनका नाम डिप्टी नजीर अहमद है, लेकिन तारीखी नावल जिन्होंने लिखा है उनका नाम है अब्दुल हलीम शरर। इसलिए कहा जाता है कि उर्दू के सबसे पहले तारीखी नावल निगार जो है वो अब्दुल हलीम शरर है। चूंकि मैंने आपको तारीखी नहीं लगाया था तो इसलिए आप लोगों ने डिप्टी नजीर अहमद बताया है, बिल्कुल राइट है, वो भी सही है, लेकिन जब तारीखी आ जाएगा तो अब्दुल हलीम शरर का नाम याद रखेंगे, ठीक है चलिए जी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे साथियों अब्दुल हलीम शरर जो है, देखिए आप दरमियाने जब क्लास अब चालू हो गया तो आप कमेंट नो करेंगे और जो बात आपको समझ में आए बाद में आप पूछ लेंगे, ठीक है चलिए। अब्दुल हलीम शरर, अगर मैं बात करूं इनका साथियों, तो असल इनका नाम है अब्दुल हलीम, और ये तखल्लुस क्या करते थे, शरर। इनके वालिद का नाम था तफज्जुल हुसैन। क्या साथियों, तफज्जुल हुसैन, क्या, तफज्जुल हुसैन। इनकी जो पैदाइश है अब्दुल हलीम शरर की 1860 ईस्वी में लखनऊ में ये पैदा हुए थे। कहां हुए थे साथियों, लखनऊ में ये पैदा हुए थे, और इनकी जो वफात है 1926 में लखनऊ में इनकी वफात हुई थी, ठीक है जी, बहुत आसान इजी सा है, आप इसको याद कर सकते हैं। इनके जो असातजा थे अब्दुल हलीम शरर के, मुल्ला मोहम्मद बाकर कश्मीरी, तफज्जुल हुसैन यानी इनके वालिद मोहतरम, और मौलाना अब्दुल हय भी इनके क्या थे, उस्तादों में इनका नाम आता है। अब्दुल हलीम शरर ने अपने नाविलों के जरिया तारीख इस्लाम को जिंदा किया है। दे मैंने कहा ना सबसे पहले तारीखी नाविल लिखा है, और तारीखी नाविल में भी इन्होंने साथियों जो इनका मौजू था वो था इस्लाम। क्या था, इस्लाम, यानी तारीख इस्लाम को साथियों इन्होंने नाविल के जरिया क्या किया है, जिंदा किया है, ठीक है। शरर के वालिद मोहतरम तफज्जुल हुसैन नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से ताल्लुक रखते थे। नवाब वाजिद अली शाह जो कि लखनऊ के साथियों क्या थे, नवाब थे, इन्हीं के दरबार से जी अब्दुल हलीम शरर के वालिद मुहतरम यानी कि तफज्जुल हुसैन क्या करते थे, ताल्लुक रखते थे, ठीक है चलिए।
1881 की बात है कि 1881 में अब्दुल हलीम शरर ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया। 1860 में पैदा होते हैं, 1881 यानी 21वें साल की जब उम्र को पहुंचते हैं तो ये अपनी अदबी जिंदगी का आगाज करते हैं। और मोहम्मद बिन वहाब नजदी की किताब, किसकी किताब? मोहम्मद बिन वहाब नजदी की किताब का साथियों ये तर्जमा करते हैं, जिसका नाम किताब तौहीद होता है। याद रखिएगा, अब आपको पूछ लेगा कि मोहम्मद बिन वहाब नजदी की किताब का तर्जमा किसने किया, तो अब्दुल हलीम शरर ने का। कब किया? तो 1881 में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कि 1881 में ही शरर को मौलवी अब्दुल हय की सिफारिश पर, और ये मौलवी अब्दुल हय कौन है, तो अब्दुल हलीम के शरर के उस्ताद मोहतरम है, इनकी सिफारिश पर मुंशी नौल किशोर ने अवध अखबार लखनऊ में 30 रुपए महीना पर साथियों क्या किया था, असिस्टेंट एडिटर मुकर्रर किया था। किस पर? असिस्टेंट एडिटर मुकर्रर किया था। एक बात मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा, आप में से जो लोग भी साथियों हमसे पहले से पढ़ रहे होंगे, स्टेट की तैयारी किए होंगे, तो जिस समय अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब, इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद, तरक्की पसंद तहरीक, ये सब पढ़ाया था, तो उस समय आपको लगता था कि अरे इसको पढ़ने से क्या फायदा। लेकिन पता है आपको पढ़े हुए लगभग 1 से 1.5 साल हो गया, अगर मैं फिर पढ़ाऊंगा ना सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। क्यों? आपने उस समय बहुत ध्यान से पढ़ा है चीजों को। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब अभी आप ध्यान से पढ़ लेंगे ना, ये टॉपिक जिंदगी में कभी भी आएगा साथियों, आप नहीं भूलेंगे, कभी भी जिंदगी में टॉपिक आ जाए, हाँ भूल जाइएगा लेकिन बहुत जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान से तब, और वही है कि आपस में बातें करेंगे तो चीजें समझ में न आएगी, ठीक है। अब्दुल हलीम शरर का जो ताल्लुक था वो फिरकाए अहले हदीस से था। किससे? फिरकाए अहले हदीस से। अलग अलग साथियों फिरका है हिंदुस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान जो हम लोगों के इसमें है एशिया के अंदर, तो इसमें से फिरकाए अहले हदीस, जिसे गैर मुकल्लिद के नाम से भी पुकारा जाता है, 1881 ईस्वी में अवध अखबार की मुलाजमत के दौरान, ये वही अवध अखबार है जिसमें पंडित रतननाथ सरसार साथियों काम कर रहे थे, ठीक है। तो 1881 में अवध अखबार की मुलाजमत के दौरान शरर ने अपने एक दोस्त जिनका नाम था मौलवी अब्दुल बासित, क्या, मौलवी अब्दुल बासित के नाम से एक इन्होंने साथियों हफ्त रोजा यानी जिसको साप्ताहिक आप पर्चा कहते हैं, महशर नामी, क्या नाम है उनका, महशर नामी रिसाला जारी किया था। कब किया था? 1881 की ही बात है जी। और ये रिसाला शरर के मजामीन की वजह से काफी मकबूल हुआ जी, चूंकि अब्दुल हलीम शरर के सारे इसमें मजामीन थे तो ये रिसाला बहुत साथियों मकबूल है। ख्याल किया जाता है कि इस रिसाले की शोहरत की वजह से इनको हैदराबाद में अवध अखबार का नुमाइंदा खसूसी बनाकर भेजा गया था, यानी इतनी मकबूलियत इस अखबार की साथियों हुई थी, ठीक है। और जनवरी 1887 की बात है कि शरर ने अपना मशहूर माहनामा दिलगुदाज जारी किया, ठीक है। उसके बाद साथियों आगे है, अब्दुल हलीम शरर ने अपने रिसाले दिलगुदाज के जरिया तारीखी नाविल लिखने की बुनियाद डाली। कौन? दिल, वो रिसाला था इनका, ये नाविल नहीं है, याद रखिएगा, दिलगुदाज करके जो है ये साथियों इनका नाविल नहीं है बल्कि ये एक रिसाला है, लेकिन उसमें वो तारीखी मजामीन छपता था उनका, ठीक है। और उर्दू का पहला तारीखी नाविल, याद रखिएगा, उर्दू का पहला तारीखी नाविल मलकुल अजीज वर्जीना, क्या नाम है साथियों, मलकुल अजीज वर्जीना 1888 में शाये किया। अब आपको यहां पर एक पॉइंट ये याद रख लेना है, ऐसे उर्दू के सबसे पहले नाविल निगार तो डिप्टी नजीर अहमद को कहा जाता है, लेकिन डिप्टी नजीर अहमद के जितने भी नाविल हैं वो साथियों इस्लाही हैं, वो तारीखी नाविल नहीं है, लेकिन उर्दू के सबसे पहले तारीखी नाविल लिखने वाले वो साथियों अब्दुल हलीम शरर हैं, और इनका जो नाविल है वो मलकुल अजीज वर्जीना नाम का, जो कि 1888 में शाये हुआ जी। लेकिन साथियों 1869 में ही डिप्टी नजीर अहमद ने क्या नाविल मिरअतुल उरूज साथियों लिखा था, इसलिए उसको साथियों क्या सबसे पहले नाविल क्या है शुमार किया जाता है। शरर ने एक हफ्त रोजा मुहज्जब नामी रिसाला 1890 में लिखा, जो अपनी नौईयत का पहला हफ्त रोजा था, ठीक है। मौलवी मोहम्मद अली जौहर ने शरर को अपने रोजनामे हमदर्द, क्या है, हमदर्द का एडिटर 200 रुपए माहवार मुकर्रर किया था। और नाविल दिलचस्प अब्दुल हलीम शरर का पहला महाशरती नाविल है। देखिए दो तरह के नाविल हैं, एक ये है
के साथियों क्या एक समाजी नावील और एक तारीखी नावील, ध्यान दीजिएगा, एक समाजी नावील एक तारीखी नावील। तो अब्दुल हलीम शरद ने जो सबसे पहले तारीखी नावील लिखी थी वो मलकुल अजीज वर्जीना नामी, जो कि 1888 में शाये हुआ था। लेकिन जो समाजी इनकी नावील है वो साथियों क्या नाम है उनका, दिलचस्प है। और ये जो दिलचस्प है ना, दो हिस्सों पर साथियों मुश्तमिल है, दिलचस्प अव्वल, दिलचस्प दोम। लेकिन ये माशरती नावील है, ठीक है, माशरा का मतलब होता है समाज, ठीक है। लेकिन तारीखी नावील जो मलकुल अजीज वर्जीना है, याद रखिएगा, इसीलिए डिप्टी नजीर अहमद को कहा जाता है कि सबसे पहला नावील निगार। और कौन सा नावील निगार? तारीखी नावील निगार। ये पॉइंट याद रखेंगे ना तो कभी भी आपको उर्दू वगैरह के जानकार से किसी से बहस होगी तो आप वहां पर इसको साथियों क्या है बोल सकते हैं। जैसे कि एक साहब एक बार शेर सुना रहे थे कि मगज को बाग में जाने ना दीजियो, मगज को बाग में जाने ना दीजियो वरना बेजा खून परवाने का होगा। ये शेर को साथियों वो निस्बत कर रहे थे किनकी तरफ, अल्लामा इकबाल की तरफ जी। और मैं तो बहुत साथियों परेशान हो चुका था, लेकिन ये शेर मैं सुना हुआ था तो फिर वहां पर आगे बातें हुई, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। मलकुल अजीज वर्जीना अब जो तारीखी नावील है, क्योंकि साथियों तारीखी नावील लिखने में अब्दुल अजीज क्या कहते हैं अब्दुल हलीम शरर को साथियों बहुत मकाम हासिल है और इन्होंने अक्सर तारीखी नावील लिखी है। तो इनकी जो तारीखी नावील है उसको यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो तारीखी नावील है वो है मलकुल अजीज वर्जीना, जो कि 1888 में शाये हुआ उर्दू अदब का पहला तारीखी नावील है। इसमें सलेबी मारकों की दास्तान है जी, सलेबी मारकों की दास्तान है। उसके बाद है हुस्ने अंजलीना, क्या हुस्ने अंजलीना 1889। इस नावल में तुर्कों की फतह और रूसियों की शिकस्त का किस्सा है। किसके? रूसियों की शिकस्त का किस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो तीसरी नावल है मंसूरे मोहना, जो कि 1890 में ये नावल साथियों शाये हुआ था। इस नावल में सिंध के अंसारी खानदान के वाकयात पेश किए गए हैं। उसके बाद आपका है फ्लोरा फ्लोरंडा, क्या फ्लोरा फ्लोरंडा 1891 में। इस नावल में हस्पानिया के अहद खिलाफत के वाकयात पेश किए गए, कहां के? हस्पानिया के। ये भी एक तारीखी दास्तान है, ठीक है। और उसके बाद 1899 साथियों फिरदौसे बरी, जो कि हमारे यूजीसी नेट का चैप्टर है, फिरदौसे बरी कब शाये हुआ था? 1899 में। ये शाये की तारीख है, इशाअत की तारीख है, लिखने की तारीख नहीं है। 1899 में इस नावल में शरर ने हसन बिन सबाह, ये हसन बिन सबाह कौन है अभी आपको मैं बताऊंगा, शुरू में बता चुका हूं, हसन बिन सबाह की अर्जी जन्नत की सैर कराई थी। हसन बिन सबाह जो है साथियों इन्होंने दुनिया में ही एक जन्नत बनाया था। तो इस नावल का जिक्र, इस नावल में अब्दुल हलीम शरर ने साथियों इसी का जिक्र किया गया है, ठीक है। और ये 1899 में ये नाविल शाये हुआ था। उसके बाद आपका है जवाले बगदाद, ये मुसलमानों की आपसी जंग के वाकयात इस नाविल में पेश किए गए। उसके बाद है फतह उंदुलुस, स्पेन पर मुसलमानों की फतह के हालात, इसको साथियों फतह उंदुलुस पर। ये सात जो है अब्दुल हलीम शरर की तारीखी नाविल है, याद रखिएगा। उसके बाद अब्दुल हलीम शरर ने जो समाजी नाविल लिखी है उसमें साथियों सबसे पहला जो नाविल है उसका नाम है दिलचस्प। और दिलचस्प दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है हिस्सा अव्वल जो कि 1885 में, दूसरा है साथियों क्या, दिलचस्प हिस्सा दोम जो कि 1886 में, ठीक है, 1886 में, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों दिलकश, दिलकश ये भी नाविल है, समाजी नाविल है। बदरुन निसा की मौत, ये भी समाजी नाविल है। आगा सादिक की शादी, उसके बाद है गैब दा की दुल्हन, और हुस्न का डाकू खौफनाक मोहब्बत। ये सभी के सभी जो है अब्दुल हलीम शरर के क्या है साथियों, समाजी नाविल है। लेकिन याद रखिएगा अब्दुल हलीम शरर जो है वो तारीखी नाविल की वजह से उन्हें याद किया जाता है, जाना जाता है। और इन्होंने साथियों जो सफरनामे लिखे हैं वो सफरनामे हैं चंद घंटे जिब्राल्टर में, ठीक है। और 1897 में ये साथियों उन्होंने लिखा है इटली की मुख्तसर सफर 1897 में ही, और हमारा सफर पालनपुर और स्विट्जरलैंड, ये भी साथियों किनका है, अब्दुल हलीम शरर का ही लिखा हुआ ये एक सफरनामा है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं नावल फिरदौसे बरी, जो कि हमारे यूजीसी नेट का साथियों सिलेबस है,
अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नाविल फिरदौसे बरी एक तारीखी नाविल है। एक नंबर में यह पॉइंट आपको याद हो गया कि नाविल फिरदौसे बरी कैसी नाविल है, समाजी है, इस्लाही है या तारीखी है, तो आप कह दीजिएगा कि यह तारीखी नाविल है। यह नाविल 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसमें कितने बाब हैं? 9 बाब हैं साथियों, किसमें? नाविल फिरदौसे बरी में। उसके बाद फिरदौसे बरी का जो मौजू है वो फिरकाए बातिनिया के उरूज जवाल की कहानी है। फिरकाए बातिनिया के उरूज जवाल की कहानी है। अब फिरदौसे बरी के जो उन्वानात है, जो अबवाब हैं 9, उसको आप एक एक करके यहां पर देख सकते हैं। परियों का गोल, गोल का मतलब होता है झुंड, ठीक है। परी जुमरुद तू कहां गई, परी जुमरुद तू कहां गई, और मलाए आला का सफर, और उसका बाद फिरदौसे बरी, फिर वही अनासिर, और जी मरदूदा मरदूद उत्तरी, और उसके बाद बलगान खातून का सफर, अफशाए राज, इंतकाम। ये टोटल 9 अबवाब नाविल फिरदौसे बरी में है। कितने हैं साथियों? 9 अबवाब नाविल फिरदौसे बरी में है। नाविल फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर ने हैदराबाद में मुकम्मल किया, और इसका मुकदमा सैयद वकार अजीम ने लिखा है, भी आई है। याद रखिएगा कि नाविल फिरदौसे बरी का मुकदमा किसने लिखा, तो सैयद वकार अजीम ने लिखा था साथियों, ठीक है। और इस नाविल को अब्दुल हलीम शरर ने हैदराबाद में मुकम्मल किया, और 1800 साथियों कब, 99 में इस नाविल को उन्होंने शाये किया। इसका जो मुख्तसर खुलासा है उसकी तरफ हम लोग चलेंगे। एक नजर आप इस पर एक बार और दौड़ा लीजिए, ताकि मुख्तसर खुलासा जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। साथियों अगर मैं बात करूं नाविल फिरदौसे बरी, तो ये नाविल जो है 1899 में साथियों क्या हुआ था, शाये हुआ था। ये कैसी नाविल है? तो एक तारीखी नाविल है। कैसी नाविल है? तारीखी नाविल है। इस नाविल का जो मरकजी किरदार है वो हुसैन नाम का एक शख्स है, जो कि हीरो है, और ये हुसैन साथियों जुमरुद नाम की एक हसीन और जमील लड़की होती है, इससे ये इश्क करता है। तो गोया कि हम कह सकते हैं जुमरुद इस नाविल का हीरोइन है, और हुसैन की क्या है, माशूका है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद इस नाविल के अंदर चुगताई खान करके साथियों एक नाम आएगा। चुगताई खान की एक लड़की होती है जिसका नाम है बलगान खातून, और ये चुगताई खान का साथियों कत्ल हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जुमरुद जो है ना, परी इसको साथियों उठा ले जाती है, इसी की याद में हुसैन जो है पागल होता है, कितने लोगों को कत्ल कर देता है इस नाविल के अंदर। लेकिन आपको सिर्फ किरदार याद रखिएगा, बाकी कहानी तो अभी मैं आपको सुनाऊंगा ही, ठीक है। तो ये बलगान खातून कौन है? चुगताई खान की बेटी है, और इसी चुगताई खान का साथियों एक लड़का है जिसका नाम है हलाकू खान, और चुगताई खान का एक लड़का है जिसका नाम है मनकू खान, बड़ी काफ से, और ये तुर्किस्तान का क्या होता है साथियों, बादशाह होता है। और मनकू खान का ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है तूबा खान, क्या होता है, तूबा खान, ये आप याद रखेंगे। और इसी नाविल के अंदर साथियों हुसैन का जो कि हीरो है, इसका साथियों क्या है, इमाम नजमुद्दीन, ये इनका चाचा है, क्या है, चाचा है, और इमाम नसर बिन मोहम्मद को भी साथियों ये हुसैन जो है कत्ल करता है। और इस नाविल के अंदर हसन बिन सबाह, क्या, हसन बिन सबाह भी आएगा आपको, जो कि इस नाविल का भी मरकजी किरदार है। शेख अली वजूदी, क्या साथियों, शेख अली वजूदी भी आपको इस नाविल के अंदर देखने को मिलेगा। और साथियों एक आपको कोहे वजूदी, कोह का मतलब होता है पहाड़, क्या, कोहे वजूदी, ये ऐसी जगह है जहां पर साथियों क्या होता है, इसमें जो लोग खुदा शनास अल्लाह वाले होते हैं वही लोग कोहे वजूदी में होते हैं। और इसी नाविल के अंदर एक चीज और आपको मिलेगा जिसका नाम होता है शहरे खलील, क्या, शहरे खलील। इसके बारे में ये साथियों मान्यता है कि यहां पर क्या है, हजरत याकूब और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुजस्समे, यानी कि उनको साथियों यहीं पर दफन किया गया, उस जगह का नाम क्या है, शहरे खलील है। ये फिरदौसे बरी जो नाविल है इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। जी यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है भाई साहब, बताएंगे, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा। जी जी यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जी चलिए ठीक है, अब आपको ले चलता हूं मरकजी किरदार की तरफ, ठीक है। मरकजी किरदार बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा,
और एक एक चीज आप समझ लेंगे, बिल्कुल कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए ठीक है, तो मरकजी किरदार क्या है इस नाविल का? मरकजी किरदार यह है, इसका खुलासा यह है, नाविल फिरदौसे बरी का फिरकाए बातिनिया और इस तहरीक का बानी हसन बिन सबा। फिरकाए बातिनिया और इस तहरीक का बानी होता है हसन बिन सबा, उस दौर की मारूफ शख्सियत है जिसकी जिंदगी में ही फितनी बातिनी तहरीक सल्तनत का रूप धार क्या है कर चुकी थी। 150 साल बाद रुकनुद्दीन खोरशा, क्या साथियों, रुकनुद्दीन खोरशा इस खानदान का चश्मो चिराग किलात तमनूत, क्या है किलात तम जी तमूनत, असल में तमूनत किलात तमूनत ये जगह का नाम है, ठीक है किलात तमूनत। अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं कुछ थोड़ी सी गलती हो तो चलेगा, लेकिन आपको तो चूंकि साथियों ये आपको क्या है ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा, तो सिर्फ आपको ये सब चीजें याद रखनी है। तो हसन बिन सबह के ही खानदान का 150 साल के बाद रुकनुद्दीन खोरशा ये किलात तमनूत के क्या होते हैं साथियों, तख्ते जेरी पर मुतमक्किन होता है, यानी कि जो किलात तमूनत के साथियों क्या होते हैं ये बादशाह होते हैं, कौन, रुकनुद्दीन खोरशा। लेकिन 150 साल पहले इसके क्या है आबाओ अजदाद में हसन बिन सबह का नाम आता है। ठीक है, वाकया अब कुछ यूं है कि इस नाविल का जी के वाकया कुछ यूं है कि शहरे आमिल, क्या नाम है शहरे आमिल, अलिफ मज़बर आ से है, शहरे आमिल का बाशिंदा हुसैन अपनी होने वाली बीवी जुमरुद, अब देखिए ये हुसैन आशिक है, इसकी जो साथी बीवी है माशूका उसका नाम है जुमरुद, के साथ फरीजा हद अदा करने के इरादे से निकलता है, कहां से शहरे आमिल से। हुसैन और जुमरुद कज़वीन में निकाह करने का इरादा भी कर चुके थे, ये भी जगह का नाम है कज़वीन, मगर ऐसा ना हो सका, यानी कोई मसला पेश आ गया होगा और हुसैन और जुमरुद जो है निकाह नहीं कर पाए। रास्ता में जुमरुद ने अपने भाई मूसा की कब्र पर फातिहा खानी का इरादा किया। अब एक बात बताइए, आपको पूछेगा कि भाई बताइए जुमरुद और मूसा कौन है, रास्ता में जुमरुद ने अपने भाई मूसा, तो साथियों जुमरुद कौन है, ये मूसा की बहन है और जुमरुद और मूसा भाई बहन, ठीक है याद रखिएगा। तो क्या साथियों कहा गया कि रास्ते में जुमरुद ने अपने भाई मूसा की कब्र पर फातिहा खानी का इरादा किया। कुछ देर कोशिश करने के बाद दोनों ने मूसा की कब्र तलाश कर लिया, चूंकि कब्र मिटा हुआ था तो ये लोग ढूंढते ढूंढते कब्र को तलाश कर लिए, क्या कर लिए साथियों, ढूंढते ढूंढते कब्र को तलाश कर लिए, ठीक है याद रखिएगा। तो ये मूसा कौन है साथियों, ये जो माशूका है हसीन हुसैन की जुमरुद उसी का क्या है भाई है। ठीक है, कब्र पर पहुंचने के बाद पहले दोनों ने फातिहा पढ़ी, कौन कौन, हुसैन और जुमरुद। सूरज अपने आखिरी पड़ाव पर था यानी शाम होने को था और वह दोनों अभी तक कब्र पर ही मौजूद थे, कौन कौन, हुसैन और जुमरुद, कि अचानक उनको परियों का गोल नजर आया, परियों का गोल का मतलब परियों का एक झुंड दिखाई दिया उन लोगों को। जुमरुद और हुसैन ये मंजर देखते ही बेहोश हो गए, क्योंकि ऐसी मंजर उन लोगों ने देखा नहीं था। ठीक है जी, हुसैन को सुबह के वक्त होश आया तो उसने देखा कि जुमरुद वहां नहीं है, यानी उसकी माशूका वहां नहीं है, वो दोनों जो गिरे थे तो साथियों उसमें क्या हुआ कि हुसैन बेहोश हो गया और उसको सुबह में जब होश आता है तो देखता है कि जो हमारी माशूका है जुमरुद वो यहां पर नहीं है। ठीक है, हुसैन ने जुमरुद को बहुत तलाश किया, कहीं नजर न आई, हां उसका नाम जरूर मिल गया, बहुत खोजा हुसैन लेकिन कहीं नहीं मिली जुमरुद, लेकिन उसका नाम मिला जो कब्र पर मूसा के नाम के साथ लिखा था, जो मूसा जो कि जुमरुद का भाई था उसके कब्र पर जहां वो लोग बेहोश हुए थे उसी जगह उसके नाम के बगल में साथियों जुमरुद का भी नाम देखने को मिला। ये बात किसको पता चली, तो साथियों हुसैन को। ठीक है, अब हुसैन को यह यकीन हो गया कि जुमरुद परियों का शिकार बन चुकी है, यानी परी जो है इसको ले गए हैं। जुमरुद की मौत ने हुसैन को दीवाना कर दिया। जब साथियों हुसैन को यह बात यकीन कामिल हो गया कि जुमरुद जो हमारी माशूका है वो मर चुकी, ये बहुत पागल हो गया था, दीवाना हो गया था, उसको अपनी भी कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि उसने अपनी सारी जिंदगी जुमरुद की कब्र पर गुजारने का अज्म कर लिया था, यानी हुसैन ये सोच लिया था कि अब हम पूरी जिंदगी जो है जुमरुद के कब्र पर ही गुजारेंगे, कहां गुजारेंगे, कब्र पर ही गुजारेंगे, वो कौन साथियों, हुसैन ने सोच लिया था। इसी तरह हुसैन को जुमरुद की कब्र पर 6 माह हो गए, 6
माह तक उसी कब्र पर साथियों वो रह गया, कौन? हुसैन। आखिरकार हुसैन को एक खत मिला उसी कब्र पर जो जुमरुद की तरफ से लिखा गया था, और हुसैन से गुजारिश की गई कि वो अपने वतन वापस लौट जाए, मगर हुसैन पर इस खत का कोई असर न हुआ बल्कि वही पड़ा का पड़ा रह गया। यानी 6 माह गुजरने के बाद हुसैन को एक खत मिला जुमरुद की तरफ से कि वो अपने क्या होता है जे क्या अपने घर लौट जाइए, लेकिन साथियों हुसैन नहीं लौटता है। 1 माह गुजरने के बाद हुसैन को दूसरा खत मिला जी, जिसमें हिदायत की गई थी कि वो उसे मिलने का इतना ही ख्वाहिशमंद है तो पहले कोहे वजूदी में चिल्ला कश्ती करे। यानी उस खत में कहा गया कि अगर आप हमसे इतना ही मिलने वाले हैं, इतना ही आप हमारे आशिक हैं, तो पहले आप कोहे वजूदी में जाइए। और ये कोहे वजूदी क्या है साथियों? देखिए, कोह का मतलब होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़। कोहे वजूदी ये खुदा शनास यानी अल्लाह वाले का साथियों एक मस्कन था पहाड़ में रहने का, ठीक है, उसी जगह का नाम था कोहे वजूदी। तो जो दूसरा लेटर हुसैन को मिलता है कहता है कि अगर आप हमारे आशिक हैं, इतने बड़े मिलने के आप क्या बेचैन हैं, तो आप पहले कोहे वजूदी में जाइए और चिल्ला कशी कीजिए, यानी 40 दिन वहां रहिए, और उसके बाद शहरे खलील के तहखानों में जाकर रियाजत कीजिए। अब ये शहरे खलील क्या है? तो शहरे खलील के बारे में मैंने आपको बताया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुजस्समा होने को साथियों उन लोगों ने तसव्वुर किया था कि वो शहरे खलील में ही है। यानी पहले आप कोहे वजूदी में जाइए और उसके बाद शहरे खलील के तहखानों में जाकर रियाजत करें। रियाजत का मतलब होता है अल्लाह से लौ लगाए, ठीक है, और फिर शेख अली वजूदी के मुरीद में जाकर शमूलियत इख्तियार करे। ये शेख अली वजूदी कौन साथियों? शेख अली वजूदी जो है ये भी बातिनियों का रहनुमा था, एक बहुत बड़ा ये क्या था? रहनुमा था। ये बातिनी कौन? जो कि हसन बिन सबाह जिसका बानी था उसी का साथियों ये शेख अली वजूदी भी एक रहनुमा था और अपने वक्त का बहुत बड़ा बुजुर्ग साथियों ये थे। तो उस खत जो दूसरा खत मिला था हुसैन को उसमें कहा गया कि पहले कोहे वजूदी में जाइए, उसके बाद शहरे खलील में जाइए और शेख अली वजूदी से आप जाकर मिलिए और उनके मुरीद बनिए पहले, ठीक है, और उनके हुक्म के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दीजिए, यानी वो जो कहेंगे वही आपको करना है। चूंकि साथियों हुसैन जो था वो सच्चा आशिक था, कोई आज के जमाने का आशिक नहीं था, हुसैन ने जुमरुद के तमाम बातों को दिल से कबूल किया और तमाम मसाइब झेलने के बाद शेख अली वजूदी के बारगाह में जाकर हाजिर हो गया। यानी पहले कोहे वजूदी में भी गया, शहर खलील गया और फिर शेख अली वजूदी के दरबार में भी चला गया। कौन साथियों? हुसैन। जब हुसैन ने अपनी खिदमतों और फरमा बरदारियों का पुख्ता सबूत दिया, यानी वो कहा कि हम बिल्कुल क्या है सच्चे हैं, तो हुसैन को फना फिश शेख का दर्जा मिला। किसका? फना फिश शेख का दर्जा मिला। और उसके बदले में इमाम नजमुद्दीन निशापुरी के कत्ल का काम सौंपा गया जी। किसको? हुसैन को कहा गया कि आप इमाम नजमुद्दीन निशापुरी को क्या करना है? आपको कत्ल करना है। और ये इमाम नजमुद्दीन निशापुरी कौन है साथियों? हुसैन के चाचा है। अभी आपको शुरू में मैंने बताया था ना, ये हुसैन के कौन थे? चाचा थे। इसका काम इनको सौंपा गया और इस काम के पूरा होने पर हुसैन को जन्नत की सैर कराई गई, वही जन्नत जो कि जमीन पर बनाया गया था, ठीक है, जहां हुसैन ने जुमरुद से भी मुलाकात की। उस जन्नत में साथियों हुसैन को जन्नत किससे? जुमरुद से भी मुलाकात कराई गई, जो कि उसकी माशूका थी जिसकी याद में वो तड़पता था। इस तरह हुसैन का फिरका बातिनिया पर ईमान और मजबूत हो गया। ये सभी चीजें इसलिए की गई ताकि हुसैन जो है फिरका बातिनिया को भी मानने लगे और उसका ईमान साथियों बिल्कुल यकीन कामिल हो चुका था। फर्ज जन्नत के सैर सपाटे के बाद जब हुसैन दोबारा तलब किया गया, फिर दोबारा साथियों हुसैन को बुलाया गया, तो उसे इमाम नसर बिन अहमद के कत्ल का हुक्म मिला। तो गोया के हुसैन साथियों दो शख्स को कत्ल करते हैं, एक अपने चचा इमाम नजमुद्दीन निशापुरी को, दूसरा इमाम नसर बिन अहमद को, ठीक है। हुसैन ने इमाम नसर बिन अहमद को कत्ल करने के बाद दोबारा जुमरुद से मिलने की ख्वाहिश की। जिस तरह इमाम नजमुद्दीन को कत्ल किया तो उनको जुमरुद से मिलाया गया, तो उन्होंने साथियों इमाम नसर बिन अहमद को जब कत्ल किया गया तो फिर उन्होंने ख्वाहिश किया कि हमें जुमरुद से मिला दीजिए। तो शेख अली वजूदी ने हुसैन को किला तमवूत में रुकनुद्दीन खोर शाह के पास जाने को कहा। अब एक बात यहां पर याद रखिएगा, ये अली शेख वजूदी कौन है?
शेख अली वजूदी, ये भी बातनियों का साथियों रहनुमा है, इन्होंने कहा कि आप कहां चले जाइए, किला तमवूत जो कि रुकनुद्दीन खुरशाह के पास चले जाइए। और ये रुकनुद्दीन खुरशाह कौन है साथियों, ये किला तमवूत का बादशाह था, हसन बिन सबह के खानदान का था, 150 साल के बाद ये वहां पर क्या साथियों ये है, ठीक है, याद रखिएगा, हसन बिन सबह का ये चश्मो चिराग था, यानी उसी खानदान से था, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर शेख अली वजूदी ने कहा कि आप कहां चले जाइए, किला तमवूत जो कि रुकनुद्दीन खुरशाह के दरबार में जाइए। हुसैन जुमरुद से मिलने के लिए इस कदर बेकरार था कि उसने खुरशाह की शान में गुस्ताखी कर दी, जिसकी वजह से उसे किला तमवूत से बाहर कर दिया गया। कभी कभी होता है आप किसी की इतनी इज्जत कर बैठेंगे कि उसकी इज्जत नहीं बल्कि उसकी आप बेअदबी ही कर देंगे, ऐसा ही हुसैन के साथ हुआ और वो साथियों उनको उनके दरबार से बाहर कर दिया गया। मोहब्बत का मारा हुसैन फिरता 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 रहा, क्योंकि साथियों वो सच्चा आशिक था, वो फिरता रहा किसकी याद में, जुमरुद की याद में। फिर वो जुमरुद की कब्र पर पहुंच गया, उसी जगह पे जहां पर मूसा और जुमरुद को साथियों जहां पर उससे बिछड़ी थी, ठीक है। तो एक महीने तक जुमरुद की कब्र पर पड़ा रहा, उस मूसा के जो बगल में कब्र था वहीं पर एक महीना तक हुसैन फिर पड़ा रहा। एक दिन हुसैन को कब्र पर दो खत मिले, एक खत में लिखा था दूसरा खत पढ़े बगैर बलगान खातून तक पहुंचा दे, यानी जो दो खत मिला था ना उसमें कहा गया कि इस खत को आपको पढ़ना नहीं है। एक खत खोला उसमें लिखा था कि जो खत आपको मिला है इसको बगैर पढ़े हुए बलगान खातून तक पहुंचा दीजिए। और मैंने आपको बताया था कि ये बलगान खातून कौन है, चुगताई खान की बेटी है बलगान खातून, याद रखिएगा, ठीक है, चुगताई खान की। तो बलगान खातून तक पहुंचा दे और उसके हुक्म की बजा आवरी करे, वो ऐसा करे। हुसैन ने जुमरुद की हिदायत के मुताबिक यानी अपनी माशूका के हिदायत के मुताबिक अमल किया और खत बलगान खातून तक पहुंचा दिया। जुमरुद ने बलगान खातून को खत में लिखा था कि उसके बाप का कातिल किला तमवूत में दादे ऐश दे रहा है, यानी साथियों जुमरुद ने कहा कि ऐ बलगान खातून तुम्हारे जो बाप को चुगताई खान जिसको मार दिया गया है, तुम्हारा जो बाप का जो कातिल है वो किला तमवूत में क्या कर रहा है, ऐश कर रहा है, अगर बलगान खातून जुमरुद की बातों पर अमल करे तो तुम अपने बाप के कातिल को खत्म कर सकती है, यानी ऐ बलगान खातून अगर तुम मेरे खत पर विश्वास करोगे तो तुम अपने बाप के कातिल को तुम बदला ले सकते हो, तुम उसको खत्म कर सकते हो। बलगान खातून ने अपने भाई मनकू खान, ये मनकू खान तुर्किस्तान का बादशाह था, से इजाजत लेकर जुमरुद की कब्र पर पहुंच गई, जहां उसे एक और खत मिला जिसमें फर्जी जन्नत तक पहुंचने का रास्ता बताया गया, जिसमें बताया गया कि तुम जन्नत तक कैसे पहुंच सकते हो। बलगान खातून अपने चंद सिपाहियों के साथ जन्नत अर्जी में दाखिल हो गई। जुमरुद ने हुसैन को उस जन्नत के तमाम असरार और रुमूज बताए तो हुसैन की हैरत की कोई इंतहा न रही, जी हुसैन की कोई इंतहा न रही। इसी दौरान हलाकू खान ने अपने लश्कर जर्रार के साथ हमला कर दिया, किला आसानी से फतह हो गया और रुकनुद्दीन खुरशाह को कैद कर लिया गया। अब ये रुकनुद्दीन खुरशाह कौन है भाई साहब, मैंने पहले ही बताया था आपको क्या कि जे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हुसैन बिन सबह के खानदान 150 साल के बाद ये साथियों किला तमवूत का बादशाह था रुकनुद्दीन खुरशाह, ठीक है, इसको कैद कर लिया जाता है। इस तरह एक अजीम फितना का नामो निशान मिट गया और हुसैन और जुमरुद दोनों ने निकाह किया और फिर दोनों हज करके अपने वतन वापस आ गए। कुछ अरसा के बाद बलगान खातून के पास चले गए, साथियों अभी पूरी बात नहीं हुई है और मैं इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इसके एक भी किरदार आप नहीं भूलेंगे, लेकिन शर्त है कि 5-6 मिनट और आप खामोश रह जाइए, जी ठीक है। अब साथियों इसमें हमने जो 2-3 चीजें पढ़ी है बहुत ही अहम है, एक तो ये पढ़ी है आशिक हो तो ऐसा आशिक हो कि जो माशूका की मरने के बाद भी हर एक बात पर साथियों क्या है, फिदा है, जी ये लगता है आज के दौर में जो आशिक होते हैं ऐसे ही ये बेचारा भी आशिक था, हर एक खत को, इसको नहीं पढ़ना है तो इसको नहीं पढ़ना है भाई, इसको खोलना है तो इसको पढ़ना है, उसको कत्ल कर देना है तो कत्ल कर देना है, वहां तुमको जाना है कोई वजूदी में जाना है तो चले जाना है, जी वहां पर कत्ल हुआ कि अपने बाप को ये चचा को कत्ल कर देना है तो कत्ल कर देना है, इमाम नसर बिन मोहम्मद को कत्ल करना है तो कत्ल कर दिया भाई, यानी इतना बड़ा ये आशिक था, जी समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब चलिए मरकजी किरदार को एक एक करके हम लोग देखेंगे।
मरकजी किरदार क्या क्या है, अब देखिए सब चीज आपको आईने की तरह झलकेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, बातें ना कीजिएगा, मैं आपसे खुद कमेंट लूंगा, ठीक है, बातें ना कीजिएगा, अब देखिए एक एक चीज आपको ध्यान से साथियों झलकेगा। अब आप देखिए इसमें हुसैन कौन है भाई, फौरन आप कहिएगा कि हीरो है, जुमरुद कौन है, इसकी आशुका है, शेख अली वजूदी कौन है, यह भी साथियों फिरका बातनिया का एक रहनुमा था, आप कह सकते हैं कि उसका एक आलिम था, जानकार था, और बलगान खातून कौन है, तो ये चुगताई खान की लड़की है जी, और नाबिल फिरदौस से बरी के ये सब क्या अहम किरदार है, कौन कौन, हुसैन, जुमरुद, शेख अली वजूदी और बलगान खातून। अब उसके बाद नाबिल फिरदौस से बरी का हीरो हुसैन और हीरो इन साथियों कौन है, जुमरुद है, कौन है, जुमरुद है, वो छूट गया जुमरुद, यहां पर कौन है, जुमरुद है जी। उसके बाद जुमरुद का आशिक, तो इसका आशिक कौन है, हुसैन है, शहरे आमिल का रहने वाला था, कहां का था, शहरे आमिल का रहने वाला था। जुमरुद कौन है, तो ये हुसैन की माशूका है, कौन है, माशूका है। याकूब इसी में आता है साथियों, जो कि मूसा का दोस्त होता है। अच्छा ये मूसा कौन होता है साथियों, अच्छा बता सकते हैं ये मूसा कौन है, ये जो मूसा है ये भाई है किसका, तो ये साथियों जुमरुद का भाई है, ये जुमरुद लड़की का नाम है, लड़का का नाम मत याद रख लीजिएगा, ठीक है, जुमरुद उसकी माशूका है हुसैन की, और इस इसी के यानी जुमरुद का जो भाई है उसका नाम क्या है, मूसा है, और इसी की कब्र को खोजते खोजते वो लोग गए थे वहां पर, जहां पर जुमरुद गायब हो गई थी, और ये बेचारा हुसैन उसकी याद में कितना कुछ कर बैठा, ठीक है। उसके बाद साथियों इमाम नजमुद्दीन निशापुरी, ये कौन है, तो हुसैन के चचा हैं, ठीक है। इमाम नसर बिन अहमद दमिश्क का ये आलिम होता है, और इन दोनों का कत्ल हुसैन करता है, किसका किसका, तो इमाम नजमुद्दीन निशापुरी का और इमाम नसर बिन अहमद का, साथियों कौन कत्ल करता है, तो ये हुसैन कत्ल करता है। और उसके बाद आपको आएगा हसन बिन सबाह, ये फिरका बातिनिया का बानी है साथियों, और फिर आपको है शेख अली वजूदी, ये भी बातिनियों का रहनुमा है, और उसके बाद आपको फिर है साथियों बलगान खातून, क्या बलगान खातून जी, बलगान खातून हलाकू खान और मनकू खान की बहन है, हलाकू खान मनकू खान मैंने आपको कहा ना ये दोनों चुगताई खान के लड़के हैं, तो ये जब बलगान खान भी चुगताई खान की लड़की है, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, तो बलगान खातून हलाकू खान मनकू खान की बहन है और चुगताई खान की बेटी, यानी ये तीनों के साथियों बाप का नाम क्या है, चुगताई खान, तो चुगताई खान की बेटी बलगान खान और चुगताई खान का बेटा हलाकू खान, चुगताई खान का बेटा मनकू खान, और मनकू खान जो है ये तुर्किस्तान का बादशाह होता है, ठीक है। हलाकू खान बलगान खातून का भाई है, ये कोई बात है, ये तो इसी में ऊपर में ही बता दिया मैंने, मनकू खान बलगान खातून का भाई और तुर्किस्तान का बादशाह है, ये तो मैंने साथियों आपको पहले ही बताया था। चुगताई खान कौन है, तो बलगान खातून का ये बाप है, कौन है, बलगान खातून का बाप है। और इसी नावल के अंदर शहर खलील, उस शहर के बारे में साथियों क्या है, ये क्या है, शहर खलील के बारे में ये मशहूर था कि इसमें हजरत याकूब और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुजस्समे मौजूद है। और इसी में साथियों एक कोहे वजूद ही आता है जो कि खुदा शनात अफराद का मस्कन है, यानी आप कह सकते हैं कि उस वक्त के बुजुर्गों का साथियों क्या था, वो रहने की जगह थी। तो इस पूरे नाविल में साथियों दो दो तीन चीजें हमें जो मिली है वो बहुत ही अहम है कि अब्दुल हलीम शरर ने फिरदौस से बरी जो है वो 1899 में साथियों इस नाविल को उन्होंने शाये किया, हैदराबाद में इस नाविल को मुकम्मल किया। ये एक तारीखी नाविल है जिसके मरकजी किरदार जो है हुसैन है, और हुसैन के साथियों जो माशूका है उसका नाम है जुमरुद, और जुमरुद का जो भाई है उसका नाम है मूसा, और हुसैन और जुमरुद ये दोनों हज को निकलते हैं, और वो लोग पहले ही निकाह का साथियों प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन निकाह नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग जिस जगह पे पहुंचते हैं वहां पर अपने भाई के मजार को तलाश करती है कौन, जुमरुद, और वो साथियों उसके फातिहा पढ़ती है। उसी दौरान परियों का एक गोल दिखाई देता है जिसको देखकर हुसैन और जुमरुद दोनों बेहोश होकर क्या होते हैं, गिर जाते हैं, और हुसैन की जब आंख सुबह खुलती है, जब सुबह वह होश में आता है तो देखता है कि जुमरुद वहां से गायब है। चुनांचे साथियों हुसैन क्या होता है, उसकी याद में क्या हो जाता है, बेचैन दीवाना हो जाता है। फिर साथियों वो देखता है कि मूसा जो उसका भाई था उसी के बगल में उसका भी नाम लिखा होता है। चुनांचे हुसैन को ये यकीन कामिल हो चुका होता है कि जुमरुद जो है वो मर चुकी है।
इसी दौरान 6 महीने तक उसके मजार पर साथियों वो रहता है और वो ये अहद कर लेता है कि वो अपनी जिंदगी के बाकी औकात को वो यही खत्म कर देगा। लेकिन फिर साथियों एक खत मिलता है कि वो अपने वतन वापस चला जाए, फिर भी वो नहीं जाता है। फिर दोबारा एक खत मिलता है, जब तुमको इतना ही प्यार है तो तुम यहां से कहां जाओ, ये वजूदी में जाओ। और फिर वहां पर साथियों जब जाता है तो अपने चचा किसको, इमाम नजमुद्दीन निशापुरी को साथियों कत्ल करता है, फिर इमाम नसर बिन मोहम्मद को कत्ल करता है, फिर एक लेटर मिलता है उसको, और वो लेटर जब मिलता है किसको, जुमरुद का दिया हुआ किसको मिलता है साथियों, तो हुसैन को। हुसैन कहां लेकर जाती है, तो हुसैन उसे लेकर जाता है साथियों बलगान खातून के पास, और ये बलगान खातून जो है चुगताई खान की लड़की होती है। बलगान खातून चुगताई खान के बाप, बलगान खातून के बाप यानी चुगताई खान को जो कत्ल कर दिया जाता है, उस लेटर में लिखा होता है कि तुम अगर अपने बाप के कातिल का बदला लेना चाहोगे तो ले सकते हो। तो साथियों इस नावल का कुछ ये खुलासा था, आप इसको एक दो बार जरूर सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें याद आ जाएंगी। इसका कल प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जरूर कल वाले क्लास में भी शामिल होइएगा। साथियों सभी लोग बताइए कैसा रहा आज का क्लास। अगर साथियों जे आपको इसमें से कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप में से अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है जो साथियों चाहते हैं यूजीसी नेट के टोटल 10 यूनिट की तैयारी करना, या फिर यूपी पीजीटी टीजीटी, या आप उर्दू से बीए एमए भी कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो अभी तो आपको यूट्यूब का दौर है, 30 से 40 मिनट में आप सुनेंगे, अच्छी तरीके से चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो आज ही हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाइए। उससे फायदा क्या होगा कि रेगुलर आपको क्लास मिलेगा और हर क्लास का नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको पढ़ने में भी आसानी और फिर चीजें याद होती जाएंगी। साथियों एक बाहरी क्लास जो आप देख रहे हैं वो, और एक जो ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ने के बाद क्लासेस होते हैं, दोनों में फर्क होता है। दोनों में फर्क ये होता है उसमें आपको जिम्मेदारी होती है और इसमें आपको जिम्मेदारी कम है। मन किया तो जुड़े, मन नहीं किया तो नहीं जुड़े, ठीक है। चुगताई खान लड़का है या लड़की? चुगताई खान, चुगताई खान लड़का है भाई जी। चलिए और किसी को कुछ पूछना है? जी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, बाकी कैसा रहा साथियों क्लास, एक बार आप लोग फीडबैक दे दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखिए ये सब किरदार है ना, आपको याद रखना होगा, लेकिन ये कि जिंदगी भर याद नहीं होता है सब चीज। एक बार पढ़ लेंगे, दो बार पढ़ लेंगे, तीन बार पढ़ लेंगे, तो क्या होता है जब प्रैक्टिस आप लगाइएगा ना, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त आपके दिमाग पर वो सब चीजें झलकती रहती है, ठीक है। जैसे कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग बचपन में याद करते थे, याद नहीं होता था, लेकिन जिंदगी भर भूलेंगे नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? कि उसको हम लोगों ने एक दो बार पढ़ लिया और इतना पढ़ा कि वो कभी भी भूलने वाले नहीं है जी। तो इसी तरह इन सब चीजों को साथियों आपको सुनना होगा, पढ़ना होगा, उसके बाद फिर ये चीजें याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करते करते। जी वो आपको है ना हर क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा, इस जो स्पेशल ग्रुप है, और हर क्लास का आपको जो भी कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा वो आप वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, शुक्रिया।